फ्रेंड्स सो ना यू नो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड आई यू नो लॉट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर एमिटेड बाई ट्रांसपोर्टेस सेक्टर सो नॉट ओनली द क्लाइमेट चेंज बट देर आर अदर इम्पैक्ट्स ऑफ द एमिशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेस सेक्टर plus uh, in addition to the emissions there are several other activities of uh, the transportation system which also affect the environment so let us see what are different environmental impacts of the transportation systems so in today's presentation we will cover like the linkages of transportation and the environment means how uh, transportation related activities and environmental components interact with each other also, we will include in this like uh, energy consumption means fossil fuel based transportation system at present is dominating as you know. So, how much energy consumption is there from uh, the perspective of transportation systems and uh, uh, what are the emissions means how much emissions are coming out of this sector because there are so many sectors like industrial sector, residential sector, transportation sector, thermal power plants. Okay? So, we can divide. इफ यू वॉन्ट टू स्टडी लाइक एमिशंस सो वी कैन डिवाइड इन टू डिफरेंट सेक्टर्स सोर्सेज ऑफ एमिशंस यू कैन से सो इन दिस पर्टिकुलर प्रजेंटेशन वी विल ऑल्सो फोकस ऑन एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दैन वी विल सी मीन्स एनवारोमेंटल इंपेक्ट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड हाउ दिस ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड क्लाइमेट चेंज अगेन वी विल मीन्स वेरी ब्रीफली इन डिटेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आस्पेक्ट्स इन प्रीवियस लेक्चर, सो इन दिस लेक्चर वी विल ओनली सी ब्रीफली दैट हाउ क्लाइमेट चेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अफेक्ट ईच अदर दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट वी विल सी ओके सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवामेंटल लिंकेजेस यू कैन सी लाइक हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर इकोस्फेर ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द बायोस्फेयर दीज आर द एन्मेंटल सिस्टम्स एंड वी आर लिविंग इन ट्रोपोस्फियर ओके सो वॉट एवर एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन दिस ट्रोपॉस्फियर वेअर डिफरेंट स्फियर्स आर देयर सो एमीशंस और एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दीज कंपोनेंट्स ऑफ द एनवामेंट एंड वैन दे कम इन टू कॉन्टेक्ट देन दे इंफ्लुएंस इट इन गुड और बैड वे वॉट एवर सो लाइक मोबिलिटी वी नीड देर इज़ डिमांड बिकॉज वी वॉन्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अन अदर राइट एंड इट ऑल्सो लाइक इट विल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स सो कॉस्ट इज इन्वॉल्व इट्स नॉट फ्री ओके दैन यूजर कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इन टोटल इज कंप्राइज ऑफ यूजर कॉस्ट एंड दिस सोशल कॉस्ट्स बिकॉज यू नो इट अफेक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसायटी कम्युनिटी लेवल टू द कंट्री लेवल दैन एनवामेंटल कॉस्ट्स एज वी जनरली कॉल इट टेक्सनेलिटीज एंड वी समटाइम्स यू नो वी इग्नोर इट बट दैट इज़ वेरी ट्रिमेंडस कॉज टू आवर लाइफ बेसिकली सो दीज आर दी लिंकेजिज इन टर्म्स ऑफ देर रिलेशनशिप बट इफ यू वॉन्ट टू सी लाइक लेवल ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज सो डायरेक्टली और इनडाइरेक्टली दीज आर कंट्रीब्यूटिंग इन द लाइक एमिशंस विच आर नॉट ओनली द नेचुरल बट एंथ्रोपोजेनिक सो वी आर टोकिंग अबाउट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सो देयर लेवल एंड देयर स्केल स्केल कैन बी लाइक लोकल स्केल रीजनल स्केल और ग्लोबल स्केल एट लोकल स्केल फॉर एग्जाम्पल नॉइज एंड सीओ एमिशंस वाई इट इज़ लोकल बिकॉज सी ओ एमिशंस कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस दे हैव वेरी स्मॉल लाइफ इन द सेंस दे गेट कन्वर्टेड इन टू

और लाइक लैड और पार्टिकुलेट मैटर्स दे डोंट ट्रेवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज सु आर लोकलाइज्ड इम्पैक्ट यू कैन कॉल दैम नॉक्स एमिशंस बिकॉज नॉक्स एमिशंस गेट कन्वर्टेड इंटू नाइट्रिक एसिड दे कैन कन्वर्टेड इंटू सम सॉर्ट ऑफ नाइट्रेट्स they interact with atmospheric moisture and so so they can contribute into secondary aerosols also particulate matter phase transformation means gaseous components can be converted into particulate matter so phase transformation can take place and that can travel from yeah, 100 kilometers to thousands kilometers so it's a regional scale problem or it can contribute to acid rain also because when hno3 is there or these uh, नॉक्स एमिशंस आर कन्वर्टेड इन टू नाइट्रेट्स देन दे कैन कंट्रीब्यूट इन टू एसिड रेन एंड देट इज ए रीजनल स्केल प्रॉब्लम ग्लोबल स्केल लाइक सी ओ टू दिस इज़ द ग्रीन हाउस गैस हैविंग लॉन्गर लाइफ टाइम एंड इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एंटायर ग्लोब्स सो थ्रू ग्लोबल सर्कुलेशन देट्स वाई वी मेजर इट एवरेज यू नो ग्लोबल एवरेज ऑफ सीओ टू कंटेंट इन द एटमोस्फियर ऑल दो क्वान्टिटी इज़ वेरी लेस बट इट्स अफेक्ट इट्स इफेक्ट और इट्स इम्पैक्ट इट्स वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ओके नाव यू नो द व वे डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन दैट अफेक्ट द एनवामेंट सो वी कैन डिवाइड इंटू थ्री मोड लाइक एक्टिविटीज मोड्स एंड ट्रैफिक एक्टिविटीज कुड भी लाइक वी हैव टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इफ यू वॉन्ट टू ट्रेवल थ्रू रोड

हैव सम सॉर्ट ऑ ऑफ यू नो एनर्जी एक्सचेंज और सम सॉर्ट ऑफ एनवामेंटल इम्पेक्ट इफ वी यू नो डिवाइड दैम इन टर्म्स ऑफ मोड्स लाइक मेरी टाइम रेल रोड एयर सो वी नीड पोर्ट्स एयरपोर्ट्स ओके स्टेशंस यार्ड्स फॉर दो मैंटेनेंस एटसेट्रा दैन फ्रॉम ट्रैफिक परस्पेक्टिव वेदर इट इज़ पैसेंजर और फ्रेट लगेज और गुड्स एट्सेट्रा टू ट्रांसफर दैम फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर सो यू नीड

Aspects because you need to manage it. So, you need uh, people, you need uh, like there is a terminology in management like man, money, machinery. So, all these 3Ms are needed for uh, operational purposes of all these activities. So, we have seen in earlier slide also, like infrastructure and travel, all these things they give a output of some sort of changes, whether it is in terms of air quality, out of emissions. Okay. and exposure because when we are inhaling air so we are also inhaling pollutants which are emitted by transport sector well habitat changes as you know because when we have to have infrastructure facilities like roads rails etc so we need to uh, do some land use and uh, uh, changes in the uh, geographical uh, dimensions so they will impact society they will impact the ecology

फोसिल फ्यूल्स दैट्स द रियल स्टोरी मीन्स फोसिल फ्यूल फॉर ऑलोर मेजर एक्टिविटीज एंड विदिन दिस फोसिल फ्यूल ए सिग्निफिकेंट पार्ट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एनर्जी कैन कम फ्रॉम लाइक नॉन रिन्यूबल सोर्सेज कैमिकल और न्यूक्लियर एट्सेट्रा दैन रिन्यूबल सोर्सेज मे ऑल्सो भी देयर लाइक मस्कुलर दल्सो कैमिकल काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन से जियो थर्मल थर्मल कन्वर्जन

रिन्यूएबल एनर्जीज इन कंपेरिजन टू द फोसिल फ्यूल बट एट प्रेजेंट फोसिल फ्यूल इज डोमिनेटिंग द एनर्जी रिसोर्सेज वी एयर वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी बट देर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग इन द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम एज वी इम्प्रूव और एज वी डेवलप वॉट एवर प्रेजेंट मॉडल इज बट एज वी इंप्रूव अपॉन इकोनॉमी एज वी डेवलप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी

यूजेज येयर केम डाउन एंड ऑयल लाइक लिक्विड लिक्विड एनर्जी वी स्टार्टेड यूज मीन्स एज इकोनॉमी ग्रोथ दैन गैस नेचुरल गैस एट्सेट्रा एज यूनो लाइक इन मेगा सिटी डेली द एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ रोड बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सी एन जी सो फ्रॉम लिक्विड फ्यूल्स वी आर शिफ्टिंग टू

वेरी लेस थ्री परसेंट अराउंड ओके ऑफ टोटल बट मीन्स इट्स इट्स पिकिंग अप बिकॉज ऑफ अवेयरनेस इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्शनलिटीज ऑफ होसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज वी नो सो वी आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ इंटू रिनेबल रिसोर्सेज सेक्टर वाइज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो गिव यू वन अनादर परपेक्टिव फॉर एग्जाम्पल इन नाइनटीन सेवेंटी वन इट वॉज अराउंड ट्वेंटी फोर परसेंट ओके

विच आर यू नो अफेक्टिंग दीज ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एमिशंस दीज आर लाइक व्हीकुलर एफिशियंसी बिकॉज फॉर सेम डिस्टेंस इफ यू हैव ए गुड एफिशियंट व्हीकल इट विल एमिट लेस अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ओके इफ यू आर यूजिंग वेरी ओल्ड व्हीकल विच इज़ नॉट फ्यूल एफिशियंट इट विल कंज्यूम मोर फ्यूल इट विल कॉस्ट यू मोर एज वेल एज इट विल पोल्यूट एन्वामेंट मोर ओके इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ट्रांसपोर्ट एफिशियंसी इट विल डिपेंड अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर इफ यू हैव वेरी बैड रोड यूल इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अन अदर फ्यूल कंज्यम्शन विल ऑल्सो भी मोर एंड दैट्स वाई नाउ यू कैन सी अवर गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन डेवलपिंग गुड हाईवेज एंड दोज काइंड ऑफ रोड फेसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी इफ वी हैव मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी दैन demand of mobility also increases even if you do online shopping something will come to you but that will be transported from one place to another so mobility has to be there then special infrastructure like transport distance this will depend of course in in, in total design means how uh, design of the urban area has has been uh, uh, there and uh,

Uh, for uh, industry and heat production etc and this share of transportation sector is 22% okay, 22% within this if you want to you know, divide it into you want to see the broader picture then you know trucks like they have 34% aviation uh, 11% and this uh, road transport automobiles related इज़ अराउंड फोटी परसेंट एंड इन टोटल यू नो ट्रक एंड दिस ऑटोमोबाइल्स दे बिकम्स अराउंड सेवेंटी परसेंट सो ह्यूज ह्यूज स्कोप इज देयर फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड देट इज़ द रीज़न वाई वर्ल्ड ओवर यू नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यू नो इज़ बींग डिस दैट कैन वी हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज रोड रिलेटेड एमीशंस डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ the reason is the emissions are at the level where we inhale. we do all the activities. Okay. means, of course, some people argue that when you use electricity, you are also producing electricity from coal-based power plants. so emissions are there. but there is a difference because coal-based thermal power plants are emitting emissions at a very, uh, you know, great height because of these stacks. and when it comes to the ground level, it gets diluted. सो लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर वैन वी आर एमिटिंग एमीशंस फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैन वी आर एमीटिंग एट द लेवल ऑफ आवर इनहलेशन एंड आवर रेस्पिरेट्री सिस्टम गेट्स वेरी बैडली अफेक्टेड सो देर इज अज स्कोप इफ वी गो फॉर डी कार्बोनाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लॉट ऑफ एडवांटेज मे बी एक्सपेक्टेड

वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑल दो हियर इनलैंड वॉटर वेज हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड बट दैट इज़ मोर यू नो एनवामेंट फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ एमिशंस इफ यू कैन कैलकुलेट सो एवरेज कार्स और एविएशन ऑल दीज आर हायर वंस पर पैसेंजर किलोमीटर बट रेलवे इज़ गुड सो मे बी वी कैन प्रमोट रेलवे एंड वी कैन लिंक दैम विद इनलैंड वॉटर वेज फ्रेट इफ यू सी द फ्रेट शेयर

और लाइक एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक कंजेशन विच्स यू नो ईट अप आवर लॉट ऑफ टाइम एंड देन हेल्थ इफेक्ट्स एनवारोमेंटल इफेक्ट्स और बिल्डिंग डैमेज बिकॉज ऑफ अदर इशूज सो दोज आर द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ओके सो वन पार्ट इज ऑफ एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़ इज़ रिलेटेड टू एमीशंस एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज एमिशंस आर देयर बिकॉज ऑफ फसल फ्यूल यूज

दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी सो इकोनॉमिक लॉसेज आर देयर दैन सोशल कॉस्ट इज देयर बिकॉज ऑफ द पब्लिक हेल्थ इन एक्ुमुलेटिव सेंस ओके एंड इकोनॉमिक लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूज बिकॉज ओजोन रिड्यूसेज दिस क्रॉप यील्ड एंड लेबर प्रोडक्टिव इज रिड्यूज बिकॉज पीपल इफ दे आर नॉट इन गुड हेल्थ दैन दीज आर द इकोनॉमिक लॉसेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑल दीज थिंग्स देन एनवारोमेंटल कॉस्ट सो डेमेज ऑफ द इको सिस्टम वेदर इट इज एयर वॉटर और सॉइल और लेक्स और रिवर्स और सी सो ऑल दोज आर एनवायरमेंटल कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट यू नो इंक्लूड दीज एनवायरमेंटल कॉस्ट व्हेन वी डिराइव कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस एंड दैट द रीज़न समटाइम्स यू नो दीज आर नेग्लेक्टेड इफ देर इज़ कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट दैन पीपल विल थिंक

पार्टिकुलेट मैटर्स दे हैव देयर ओन कंसिक्वेंसेज टू द हेल्थ प्लस यू नो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट्स एज यू नो नॉइज और एमीशंस ऑफ एनी एयर पोल्यूशन दीज आर द डायरेक्ट इम्पैक्ट्स एंड दैन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स एज वी नो दैट सम काइंड ऑफ डिजीज विच इज़ ट्रिगर्ड बाई एयर पोल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट मैटर एटसेट्रा दैन दे आर इनडायरेक्ट इम इमेक्ट्स ऑफ दिसज ट्रांसपोर्ट सेक्टर राइट ऑल्दो वैन वी आर यूजिंग एम्बुलेंस दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज सेविंग आवर लाइफ सो मीन्स दिस इज़ नॉट जस्ट कि इट इज़ ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू नेगेटिव थिंग्स देर आर पॉजिटिव आस्पेक्ट्स देर आर नेगेटिव आस्पेक्ट्स वी हैव टू एनहांस पॉजिटिव आस्पेक्ट्स वी हैव टू रिड्यूस नेगेटिव आस्पेक्ट्स ओके इन क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट इफ यू सी सो लाइक क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ दुम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिलेटेड

वन वे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज एनहसिंग द क्लाइमेट चेंज एंड ऑन अदर साइड दिस क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज वेन वी लाइक आर फेसिंग फ्लड्स सो रोड्स आर डैमेज सो दैट्स द कोज टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वी हैव टू रिपेयर रोड्स देर आर यू नो अधर इशूज और इफ देर इज यू नो सम Uh, acid rain or uh, in coastal regions some, some sort of uh, storms are there so the infrastructure is damaged so we have to repair them so these are the cost or these are the influences of the climate change even climate change also influence for example temperature of a particular place is growing where it has been a negative uh, in the sense uh, uh, negative temperature not uh, means in higher uh, you know altitudes there may be kind of very cold regions okay.

Uh, to the environment and to the health and this uh, carbon cycle also uh, adding to like sea uh, is absorbing lot of uh, uh, CO2, but at the same time uh, heat it is being heated up, so its capacity also getting reduced. Then if acid rain is there, so uh, forest are uh, being damaged and its sinking capacity of the CO2 is

वन ओ वन एंड मोटरसाइकिल इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट वन वन नाइन बेस्ट इज लाइक वॉकिंग और बाइसिकल सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग जीरो एमिशंस टू ट्रेवल मीन्स ऑफकोर्स एमिशंस आर देर वैन वी आर प्रोड्यूसिंग बाइसिकल्स बट वैन वी आर यूजिंग इट देर आर नो एमिशंस सो दिस पिक्चर गिव्स अस दैट विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वी कैन इंक्रीज और एनहांस और प्रमोट लाइक

ओके बिकॉज वी हैव लैस मनी टू इन्वेस्ट एंड वी आर ट्राइंग टू हैव बेटर इकोनॉमी सो एनवारोमेंट इज नेग्लेक्टेड एंड एनवारोमेंटल डैमेज इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ दीज एन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ओके बट वैन वी हैव गुड अमाउंट ऑफ यू नो वेल्थ एट द नैशनल लेवल और पर कैपिटल इनकम हैज़ इंक्रीज देन वी आर एबल टू इन्वेस्ट सो दैट्स वाई यू नो दिस पर कैपिटल इनकम इज इंक्रीजिंग

Well, in conclusion, we can say that uh, there is significant uh, impact of transportation sector on the environment. It, it it also influences human health. That we will see in detail afterwards. And uh, if we go for integrated kind of transportation development, so that we can harness uh, like uh, uh, you know this railways integration of railways with the uh, you know inland waterways or very less amount of uh, emissions. आर कमिंग फ्रॉम दोज काइंड ऑफ सेक्टर्स और व्हीकल कैटेगरीज और ट्रांसपोर्टेशन मोड्स इफ वी प्रमोट दोज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स देन वी आर अचीविंग गुड मोबिलिटी एज वेल एज वेरी मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द एनवर्मेंट एंड दीज आर द रेफरेंसेज सो देट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू अगेन फॉर योर अटेंशन एंड हैव नाइस टाइम थैंक्स